नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भारत योजना पे। आज हम बात करने वाले हैं BSF SC RO RM न्यू वैकेंसी 2023 के बारे में। तो BSF की तरफ से यहाँ नई भर्ती आई हुई है, तो आप इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं? अगर आपको इसमें अप्लाई करना है तो इसके पहले एलिजिबिलिटी को चेक कर लेते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगा गया है, एज लिमिट क्या रखा गया है, टोटल वैकेंसीज कितना है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो आपको पहले यहाँ पे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना होगा BSF के। इस प्रकार से होम पेज खुल जाएगा। होम पेज खुलने के बाद आपको जो यहाँ से लिंक मिल जाएगा BSF का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका यहाँ BSF का पेज खुलेगा, जिसमें कि आपको नीचे की तरफ आना है। तो यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे एडवर्टीजमेंट नंबर दिया हुआ है, ग्रुप सी SC रेडियो 2023। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन यहाँ 12 मई को रहेगा। अगर आपको अप्लाई करना है तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ से आप व्यू डिटेल्स पर क्लिक करके यहाँ से नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ नोटिस खोल लेंगे, तो नोटिस यहाँ देखिए, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है BSF की तरफ से आया हुआ है, रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक के लिए है। यहाँ पे आप नीचे की तरफ आइएगा तो आपको यहाँ पे स्केल बताया हुआ है, अदर अलाउंस भी बताया हुआ है। तो हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर और हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक के लिए यहाँ पे 25,500 से लेके 81,100 रुपये तक मिलेगा। 7th CPC है। वैकेंसीज जो है यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज बताया हुआ है। पोस्ट जो है SCRO के लिए यहाँ पे जनरल EWS OBC SC ST के लिए यहाँ पे कैटेगरी वाइज बांटा हुआ है, टोटल यहाँ पे 15 है। SCRM के लिए भी यहाँ पे कैटेगरी वाइज बांटा हुआ है, तो वो आप देख सकते हैं। टोटल जो यहाँ पे पोस्ट है वो देखिए 217 प्लस यहाँ 30, तो यहाँ मतलब 247 पोस्ट टोटल है, और वो भी कैटेगरी वाइज बांटा हुआ है, तो वो आप एक एक करके यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। फिर रिक्रूटमेंट का डेट जो बताया गया, तो आपका कैसे कैसे एग्ज़ाम होगा, क्या होगा। फर्स्ट फेज में आपका पहले रिटन टेस्ट होगा, OMR बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद जो आपका सेकंड फेज होगा, उसमें आपका PST टेस्ट होगा, PET टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और थर्ड फेज में आपका यहाँ पे मेडिकल का एग्जामिनेशन लिया जाएगा, मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। और जो आपका फाइनल जो रिजल्ट बनेगा, फाइनल रिजल्ट जो है आपका दोनों अलग अलग बनेगा, SCRO का अलग और SCRM का जो है सेपरेटली मेरिट लिस्ट जो है अलग अलग बनेगा। तो मेरिट लिस्ट भी किस आधार पे होगा, देखिए SCRO के लिए जो टोटल मार्क्स का OMR बेस्ड रिटन टेस्ट होगा वो 200 मार्क्स का रहेगा, और डिक्टेशन टेस्ट लिया जाएगा 50 मार्क्स का, उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा। और SCRM का यहाँ पे टोटल मार्क्स ऑब्टेंड इन OMR बेस्ड जो होगा 200 मार्क्स का, उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा। एलिजिबिलिटी कंडीशन जो है क्वालिफिकेशन का, SCRO के लिए आपको कम से कम इंटरमीडिएट पास होना चाहिए या फिर 12th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ लेके, और कम से कम आपका 60% मार्क्स के साथ आपको पास हुआ होना चाहिए, या फिर आपको मैट्रिक पास हुआ होना चाहिए और मैट्रिक के साथ साथ आपको 2 साल का ITI किया हुआ होना चाहिए। SCRM के लिए भी आपका सेम है, आपको पास हुआ होना चाहिए इंटरमीडिएट या फिर 12th स्टैंडर्ड पास हुआ होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ, 60% मार्क्स के साथ आपको पास हुआ होना चाहिए, या फिर आपको मैट्रिक पास हुआ होना चाहिए 2 साल का कोर्स के साथ ITI के साथ आपको पास हुआ होना चाहिए। एज लिमिट जो है यहाँ पे जनरल वाले लोगों के लिए 18, तीनों के लिए यहाँ पे 18 ईयर्स मिनिमम रखा गया है। जनरल के लिए 18 से 25 है, OBC के लिए 18 से 28 और SC ST के लिए 18 से 30 साल है, जिसमें कि यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। अगर आप SC से ST से आते हैं तो आपको 5 साल का, OBC से आते हैं तो 3 साल का यहाँ पे छूट मिलेगा। एक्स सर्विस मैन वाले लोगों के लिए भी यहाँ पे छूट दिया गया है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो आपका होगा, उसमें आपका हाइट बता दिया गया है कि 168 सेंटीमीटर होना चाहिए मेल का, और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है। मिनिमम यहाँ पे देखिए आपको 165 भी मांगा गया है, 3 सेंटीमीटर का आपको छूट भी मिलेगा, जो कि इन एरिया से आते हैं उन लोगों को यहाँ पे हाइट में छूट मिलेगा। इन एरिया यहाँ पे नाम दिया हुआ है। चेस्ट जो है सिर्फ मेल के लिए 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, 85 सेंटीमीटर आफ्टर एक्सपेंशन होना चाहिए, और वेट जो है प्रोपोर्शनेट टू हाइट, हाइट और एज के हिसाब से आपका वेट को मेजर किया जाएगा गर्ल्स और बॉयज दोनों में। हाउ टू अप्लाई, तो आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके। स्टार्ट डेट जो है 22 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है, और लास्ट डेट जो है 12 मई 2023 को है। तो जितना जल्दी हो सके अगर आप एलिजिबल हैं तो यहाँ जाके अप्लाई कर दीजिए। मोड ऑफ पेमेंट जो आपको यहाँ पे 100 रुपया लगेगा पेमेंट, और वो भी आपको ऑनलाइन ही करना होगा, इंटरनेट बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, या फिर UPI या फिर वैलेट से आप पेमेंट कर सकते हैं।
तो मैंने जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको अप्लाई करना है, एलिजिबल है यहाँ पे, तो आप जाके अप्लाई कर दीजिएगा। ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ की मैंने आपको बताया कि यहाँ अप्लाई हेयर पे क्लिक करके नेक्स्ट पेज खुलेगा, तो यहाँ से आप आके अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन पेज खुला है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरना है, एड्रेस डिटेल, अदर डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स भर के आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं।